सेमीफाइनल नंबर टू की शुरुआत होती हुई यहाँ पर, और चूंकि 8 बज चुके हैं इसके लिए अब जो वॉल्यूम है डीजे की वो भी पूरी तरह से बहुत कम कर दी गई है। सेमीफाइनल का है ये मैच, पहली टीम जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो है फिलो डायमंड वॉरियर्स। डॉट बॉल के साथ सेमीफाइनल नंबर टू की शुरुआत हुई। बहुत आभारी हैं हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स के, जिस किसी का भी साथ मिला खास तौर पर ट्रॉफी स्पॉन्सर हो, फूड स्पॉन्सर हो, टी शर्ट स्पॉन्सर हो, ग्राउंड स्पॉन्सर हो या हमारे और बाकी एसोसिएट्स हो, सभी का बहुत आभार। एक और डॉट बॉल, पहली ओवर में अब तक जो रन बने हैं वो हैं 3 रन। अच्छी बॉल डॉट रही, स्कोर अभी भी 3 पर ही है पहले ओवर में। और ये जबरदस्त शॉट जीतू के बैट से निकलता हुआ प्रगति गोल्ड सिक्सर। ओवर समाप्त हुआ पहला, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। एक ओवर 9 रन, जिस किसी ने भी अब तक अपना डिनर ना किया हो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द डिनर कर लें। डिनर का काउंटर ओपन है, प्लीज अपना भोजन कर लें, रात्रि का भोजन जितने जल्दी कर लिया जाए उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। आप सभी जानकार लोग हैं, इन सभी बातों से बखूबी वाकिफ हैं। सो निवेदन रहेगा, अगर आपने अब तक अपना डिनर ना किया हो, डिनर की भरपूर व्यवस्था की गई है, सो प्लीज आप सभी डिनर कर लें। चौके का इशारा एम्पायर की तरफ से आया है, प्रगति गोल्ड चौका, पावर बॉल है ये ओवर नंबर टू। पावर बॉल भी गैप में खेला गया स्ट्रोक, ये चौका है या सिक्सर एम्पायर कंफर्म करना चाहते हैं। आई थिंक सिक्सर है क्योंकि सीधी गई है गेंद, बट लेट्स सी। डबल रन है, रुक जा। सो थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ सिक्सर का इशारा। पावर बॉल पे सिक्सर आया,
27 रन, ये दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। एक मौका जो हाथों से निकला और रन आउट का ये चांस, यहां पर आउट हुए निखिल। सो इस तरह से ये निखिल हुए आउट और दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया। दो ओवर में टोटल जो रन्स बने हैं वो 28 या 29, एक बार कंफर्म करते हैं हमारे साथ ही स्कोरर से। आई थिंक इट्स 28 दो ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। बैटिंग के लिए पीयूष भाई आए हैं, अकाउंट ओपन किया है पीयूष भाई ने अपना भी। तीसरा ओवर सेमीफाइनल नंबर टू संस्कार ग्रुप की तरफ से आयोजित संस्कार प्रीमियर लीग। डॉट बॉल के साथ ओवर कंप्लीट हुआ 3, बहुत ही किफायती रहा यह ओवर। इसमें सिर्फ 4 रन आए पिछले ओवर में, श्रेयांश ने गेंदबाजी की पिछले ओवर में और सिर्फ 4 रन देकर अपना ओवर समाप्त किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, 32 3 ओवर के बाद। तीन ओवर 32, हैप्पी करेंगे बॉलिंग और पहली बॉल पे निकलता हुआ ये सिक्सर, प्रगति गोल्ड सिक्सर। जयेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहां मौका है रनआउट का। पीयूष भाई काफी खुश हैं, उनकी विकेट गंवाने की जो साजिश थी उसमें सफल हुए, इसलिए चेहरे पर मुस्कान है। इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो 3 बॉल हो चुकी हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। संस्कार ग्रुप के जो मेंबर्स हैं अगर उनकी चर्चाएं की जाए तो हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान है।
निर्मल जी, विनोद जी, गौतम जी कोठारी, विमल भाई वडाला, महावीर जी सिंघवी, कमल कोठारी, श्रीमान धीरज जी मादरेचा, प्रवीण जी सिंघवी, दीपक भाई सिंघवी, राजेश भाई बाफना, बकुल भाई हिरन, लोकेश जी बाफना, विनय जी मेहता, राकेश जी सोलंकी, संजय जी वोरा, जितेंद्र जी हिरन, महावीर जी राजपुरोहित और कमलेश जी, ये सभी हमारे मेंबर्स हैं संस्कार ग्रुप के। ओवर समाप्त हो गए यहाँ पर चार, और चार ओवर के बाद स्कोर है 45। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि संस्कार ग्रुप का हर एक सदस्य अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तां है। कोई जमी है तो कोई आसमां है, संस्कार ग्रुप का हर व्यक्ति अपने आप में एक बड़ी दास्तान है। चार ओवर के बाद 45 रन्स। और एक और अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप में कोई भी अध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब सेम पद पर हैं और सभी का कार्य बहुत जरूरी है। ये निकलता हुआ सिक्सर 50 का आंकड़ा पार किया प्रगति रॉयल्स ने। और हर एक सदस्य दूसरे सदस्य की एक आवाज पर उठ खड़ा होता है, यह हमारा संस्कार ग्रुप। के मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़ी नास के साथ, तुम भी अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। और संस्कार ग्रुप जब उस समय स्पीच चल रही थी, बहुत अच्छी बात कही कि कॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक मैसेज अगर पहुंचता है तो पूरा संस्कार ग्रुप एक साथ में खड़ा हो जाता है। अध्यात्म की बात हो, मेल मिलाप की बात हो, शिक्षा की बात हो या खेल कूद की बात हो, हर एक क्षेत्र में पूरे समाज को जोड़ते हैं संस्कार ग्रुप। 51 है स्कोर पांचवें ओवर में। सेवा, सहायता, प्रेम, एकजुटता, ये सभी चीजों में हमेशा तत्पर रहता है ये ग्रुप, संस्कार ग्रुप। और इंसान वही है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, अपने दुख दर्द को तो जानवर भी समझ लेता है। एक रन और खाते में जुड़ा। फिफ्टी टू रन्स, ये पांचवा ओवर है इस समय। यस नो तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा था, लेकिन मिसफील्ड के चलते ये एक रन पूरा हो गया। पांच ओवर समाप्त, और पांच ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे। टीम प्रगति रॉयल्स आखिरी छह गेंदों में अपने रनों की रंगोली कहां तक सजाएगी और ये रेलगाड़ी कहां तक पहुंचाएगी, 20, 25 या 10, 15 के अंदर सिमट जाएगी, नजरें डालते हैं इस आखिरी ओवर पे। अपील तो है जोरदार, लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही क्विक, उतने ही तेज। एक रन मुकम्मल हुआ। और ये जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। इस पूरे आयोजन की अगर आप एक एक चीज उठाकर देखें, हर एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नजर आई। 60 का आंकड़ा पूरा हुआ है बल्लेबाजी करते हुए टीम प्रगति रॉयल्स का। गुड शॉट, पूरी ताकत से खेला गया स्ट्रोक था वो नितिन के द्वारा, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग भी। नितिन जो कि क्वार्टर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने हैं
इनके मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी से इन्हें नवाजा जाना बाकी है, जो हम संभवतः सभी मैचेस की समाप्ति के बाद मुकम्मल करेंगे। कुछ मैचेस के मैन ऑफ द मैच दिए जाने बाकी हैं, आई थिंक लीग के 3 आखिरी मैचेस और क्वार्टर फाइनल का एक मैच और पिछला जो सेमीफाइनल समाप्त हुआ, ये सभी मैन ऑफ द मैच हम फाइनल प्रेजेंटेशन में देंगे। ये सिक्सर निकलता हुआ, प्रगति गोल्ड सिक्सर, टोटल स्कोर है 70 आखिरी गेंद। ओ मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सो कुल मिलाकर प्रगति रॉयल्स ने जो रन बनाए वो हैं 74, लक्ष्य है 75 रनों का, 75 इज द टारगेट। जितना सहयोग हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपने कार्य के साथ दिया, उतना ही सहयोग हमारे सभी स्पॉन्सर्स का भी रहा, इसलिए हम उनके उनका जितना आभार प्रकट करें वो कम है। तहे दिल से हम आभारी हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स के। और अगर मैं क्विकली एक बार उन सभी स्पॉन्सर्स पर नज़रें दौड़ाऊं तो वो कुछ इस प्रकार हैं। हमारे वेल विशर्स जीनियस एक्सक्लूसिव मेंसवेयर महेश भाई, ट्रॉफी के स्पॉन्सर द जेविल वर्ल्ड, और जो स्पॉन्सर हैं वो हैं भरत कुमार, किशोर कुमार, महावीर कुमार, मेहता परिवार लालबाग, तिपड़िया चेन, जवेरी बाजार। टी शर्ट के एक स्पॉन्सर हैं महावीर जी जैन, कटारिया बुलियन। वाटर के 74 बना 75 टारगेट। वाटर के स्पॉन्सर हैं नीलेश जी जैन, श्री दर्शन ज्वेलर्स। चौके सिक्सर के स्पॉन्सर हैं प्रगति गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, धीरज भाई माधरेचा। स्पेशल एसोसिएट्स हैं सीए चंचल भंडारी एंड एसोसिएट्स। इवेंट के हमारे स्पॉन्सर हैं काका गोल्ड। टी शर्ट के एक और स्पॉन्सर हैं विपिन भाई राज खानतेड़, गजीबो फॉर मेंस। YouTube लाइव के स्पॉन्सर हैं गिफ्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड फेयर चेंस, गौतम कुमार, कमल कुमार कोठारी, ये हमारे YouTube लाइव स्पॉन्सर। ग्राउंड के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं अलंकार ज्वेलर्स, शांतिलाल जी बाफना, बाफना फैमिली घाटकोपर, सुवर्णा शांति, ये हमारे स्पेशल एसोसिएट हैं मुकेश भाई जैन। और फूड के तो क्या कहने, मतलब भोजन में एक चीज़ जो मैं बार बार हमारी पूरी कमेटी के मुंह से सुनने को मिली, संस्कार ग्रुप के हर एक मेंबर से, कि किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ख़ास तौर पर खाने की जो चीज़ें उसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते। बारबेक्यू स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स से लेकर डेजर्ट से लेकर सभी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। और अभी तक अगर आपने अपना डिनर नहीं किया है तो तुरंत डिनर काउंटर में आए, लंच आपने जिस तरह से किया था डिनर खाकर ही यहां से लौटे घर के लिए। चलिए नजर डालते हैं दूसरी पारी की तरफ। पहली गेंद नो थी और उसके बाद ये सिंगल। दो ओपनर्स आए हैं, एक तरफ है चेतन, दूसरी तरफ है अभिषेक। एक गेंद दो रन। ये अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में, एक रन और मिलेगा। 75 का टारगेट है। 3 गेंदों में अब तक 5 रन बनाए हैं बैटिंग करते हुए सुल्तान्स ऑफ साथिया ने। पीयूष भाई सेलिब्रेट तो कर रहे थे इस विकेट को, लेकिन एम्पायर ने तुरंत मना किया उस अपील को। एम्पायर ने नॉट आउट करार दे दिया है सर। इसे एक रन से स्कोर 6 पर पहुंचा। गेंदें हो चुकी हैं 4, 2 बॉल्स टू गो। मौका है, अच्छी कोशिश वहां पर। एक रन और मिला, 7 रन बने 5 गेंदों में।
पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर पहुंचा है वो है 7 रनों पे सुल्तान्स ऑफ साथिया। और अब नए बल्लेबाज जय पहुंचे हैं बैटिंग के लिए। क्वार्टर फाइनल में जय ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक तैयार होते हुए एक ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो है 7 रन। और दूसरे ओवर की जबरदस्त अंदाज में शुरुआत, ये निकलता हुआ प्रगति गोल्ड सिक्सर। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। और ये गलती, पकड़े गए वहां पर, विकेट का पतन, विकेट नंबर 2। दूसरा विकेट गिरा और ये पावर बॉल रहेगी। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। अब ये पावर बॉल का सामना करने के लिए उतरे हैं बड़े बॉय हनी। पावर बॉल पे अपना अकाउंट ओपन किया, 2 रन जुड़ेंगे, टोटल स्कोर पहुंचेगा 16 रनों पे। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। इस पर देखते हैं एम्पायर का क्या इशारा आता है, क्या ऊपर नेट पर टच हुई है गेंद या नहीं। एम्पायर कंफर्म कर रहे हैं साथ ही एम्पायर से, और अब इशारा दिया एम्पायर ने कि ये 6 है। सिक्सर का इशारा, प्रगति गोल्ड सिक्सर, जय के बैट से निकलता हुआ ये सिक्सर। ओ, ये गलती यहां पर जय की। यॉर्कलेन की गेंद को क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन बैट और बॉल का हुआ ही नहीं, गेंद जाके सीधा स्टंप्स पर टकराई और विकेट गिरता हुआ जय का। 2 ओवर के बाद स्कोर है 23, 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर्स 23 for 3। और अब न्यू बैट्समैन आई थिंक श्रेयांश आए हैं बैटिंग के लिए। श्रेयांश न्यू बैट्समैन इन। 2 ओवर के बाद 23 बना है, टारगेट है 75। और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए नितिन। कुछ बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, जिसके तहत माइक की जो वॉल्यूम है वो ग्राउंड पे अब कम कर दी गई है। इसके बाद एक और मैच खेला जाना है जो फाइनल मैच है। संस्कार ग्रुप ने आज सुबह से ही COVID-19 को रोकने थामने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया है। और बचे हुए वक्त के लिए भी मैं बाकी जितने भी लोग मैदान पर हैं उनसे ये बार बार गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी नियमों को प्रॉपरली फॉलो करें, मास्क लगाकर ही मैदान पर रहें। कुछ वक्त और है, कुछ समय और है, आओ इन्हें हंस कर खेल कर गुजार दें। एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट बहुत प्रीशियस है हर एक व्यक्ति के जीवन में। स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रनों पे, अच्छी बॉलिंग नितिन के द्वारा इस ओवर में। अनइवन बाउंस, समझ नहीं पाए हनी वहां पर मुस्कुराते हुए। 25 रन, 5 गेंदें हो गई तीसरे ओवर की और दिया नितिन ने सिर्फ 2 रन अब तक। क्या ये पहला सिक्सर इस ओवर में? जी हां, नितिन नाखुश है वहां पर क्योंकि मौका बन गया था एक कैच का, कैच भी छूटा, एक दिल में जो कसक थी विकेट की वो भी टूटा
उम्मीद का एक सितारा जो हनी का विकेट चटकाने का था वो भी टूटा और बल्लेबाज ने तो मुस्कुराकर 6 रन लूटा उस स्ट्रोक से। और प्रगति गोल सिक्सर के जरिए अब जो टीम की रन संख्या है वो बढ़कर पहुंच चुकी है 31 रनों पर, 31, 75 का टारगेट है। सो अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में 44 की और जरूरत, 31 हुए, 44 और चाहिए। जैकी करेंगे बॉलिंग, 3 ओवर में चाहिए 44। ओवर्स के दरमियान हनी और श्रेयांस के दरमियान जो बात हुई निश्चित ही आगे आने वाले 18 गेंदों में 44 किस तरह बनाना है यह डिस्कशन हुआ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हनी ने यही कहा होगा, श्रेयांस वक्त कम है, पूरा दम लगा दो, कुछ रन मैं बनाता हूं, कुछ रन तुम बना दो। 32 रन, ओ, एक और कैच यहां पर ड्रॉप होता हुआ। और क्या ये तीसरी गेंद थी इस ओवर की? जी हां, पावर बॉल भी थी, उस पर मिला सिक्सर, प्रगति गोल का सिक्सर, 12 रन जुड़ जाएंगे खाते में। एक सेकंड आए, एम्पायर स्कोरर रन काउंट कर ले, टोटल स्कोर हो गया 44, पावर बॉल थी, 12 रन जुड़े, स्कोर हुआ 44। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा बैटिंग कर रही टीम के लिए? नजर डालते हैं मैदान पर, सुल्तान ऑफ साथिया एक रन और खाते में जुड़ा, 45 हुआ स्कोर, 30 रन और चाहिए। लेकिन सेमीफाइनल के मैचेस हमेशा हमने देखे हैं कि फाइनल के मैचेस से ज्यादा बेहतर होते हैं। सिर्फ अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप छोड़ दें, इसके अलावा बाकी सभी जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें सेमीफाइनल्स के मैचेस फाइनल के मैचेस से कहीं ज्यादा बेहतर रहे हैं। एक और डॉट बॉल, दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं, दावेदार हैं चैंपियन बनने की, लेकिन इस समय संघर्ष जारी है। 4 ओवर के बाद स्कोर 46, अब 12 बॉल में चाहिए 29 रन। दबाव है, प्रेशर है, नीरव गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। और मेरे पीछे से कान में कोई कहता हुआ, पीयूष भाई चेक करते हुए कि भाव क्या चल रहा है इस समय, उस हिसाब से मैं टीम के परफॉर्मेंस को ऊपर नीचे करूं। आई एम सॉरी, हंसी के अंदाज में किसी ने कहा मेरे कान में। डॉट बॉल रही, पावर गेंद है अभी ये, और पावर बॉल पे जबरदस्त शॉट, पावरफुल शॉट हनी के बैट से ये निकलता हुआ चौका, 8 रन जुड़ जाएंगे खाते में और टोटल स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 55 रनों पे, 55 रन, 20 रन और चाहिए। ये पांचवा ओवर इस समय, स्कोर 56, थोड़ा सा आई थिंक रनों में कंफ्यूजन, एक बार हम कंफर्म करेंगे इस गेंद के बाद। एक रन और खाते में था या नहीं, विकेट का पतन। चलिए एक बार फिर से टैली करते हैं हम स्कोर आखिरी गेंद पर। क्या ये आखिरी गेंद थी जिस पर विकेट गिरा? नहीं, एक बॉल बाकी है अभी, 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर में। टोटल जो रन आए हैं वो हैं, पहले 1, फिर 8, फिर 1, तो टोटल 10 रन आए हैं इस ओवर में। सो इस प्रकार से स्कोर है 56 रन बराबर। अब 19 रन चाहिए बची हुई 7 बॉल में। यस सर, विवेक है न्यू बैट्समैन, 7 बॉल पे चाहिए 19 रन। अब 6 बॉल और 6 पे 18 की जरूरत। क्या विवेक ज्यादातर गेंदों पे स्ट्राइक रखेंगे या फिर हनी को स्ट्राइक पर लाएंगे?
बहुत बहुत बधाई आप दोनों को फाइनल के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। सो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। दो टीमें जो सबसे मजबूत हैं संस्कार ग्रुप संस्कार प्रीमियर लीग में वो हैं फिला डायमंड्स वॉरियर और दूसरी तरफ हैं प्रगति रॉयल्स, मदर ऑफ ऑल दी कॉन्टेस्ट जिसे कहा जाता है, सभी कॉन्टेस्ट की जननी अगर कोई है तो वो फाइनल की मैच है। और फाइनल में अब हम पहुंच चुके हैं जहां एक तरफ फिला डायमंड वॉरियर्स हैं, दूसरी तरफ है प्रगति रॉयल्स, और देखते हैं इनमें से कौन सी टीम सबसे ऊपर जाएगी कि तराजू तौल कर देखें कि पलड़ा किसका भारी है, किसे झनकार प्यारी है और किसे ललकार प्यारी है। दोनों टीमों के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, एक तरफ है लोकेश भाई टीम फिला डायमंड वॉरियर्स के कैप्टन, तो दूसरी तरफ है प्रगति रॉयल्स के कैप्टन। हेलो धीरज, धीरज भाई तैयार है आप कैप्टन फाइनल के लिए? यस बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है बनेंगे आप चैंपियन 100%? और धीरज भाई आपको क्या लग रहा है? 101%। So, दोनों ही टीमों के हौसले बहुत 110% हौसले बहुत बुलंद है। कमल जी आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? हमारी दोनों टीमें ही हमारी है और मैं बोलूं कब तो दोनों ले जाएंगे, एक विनर का एक रनर अप का। लेकिन हम दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, ये टीम रियल में इतनी एफर्ट इन्होंने डाली है और ये इसके लायक भी थी और सही टीम आगे आई है, ये हमें बहुत खुशी की बात है। देखो कोई भी जीतेगा कब तो संस्कार ग्रुप में ही रहेगा, ये बात हुई ना, ये होता है एक संस्कार ग्रुप मेंबर का संस्कार ग्रुप के लिए और इनका नाम। और भी दोनों को मैं बस धन्यवाद देता हूँ। अब अरमान जी बताएंगे, दोनों कैप्टन से पूछेंगे आगे की इनकी क्या कुछ रहेगा इनका। दोस्तों आप सभी को पता है कि पहली बार होने वाली चीज हमेशा याद रहती है, चाहे आप कॉलेज में पहला दिन हो, स्कूल में पहला दिन हो, या फिर जिंदगी में अपने चाहने वाले के साथ पहली मुलाकात हो, या फिर अगर मैं इसको और ऊपर तौर पर लेकर जाऊं और आपको बताऊं कि पहला व्यक्ति जो चांद पर पहुंचा वो हमेशा सबको याद है, पहला प्रधानमंत्री कौन देश का है वो सबको याद है, इसी तरह से संस्कार ग्रुप ने जब पहली मर्तबा क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया है तो उसमें कौन चैंपियन बनेगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जितने तैयार फिला डायमंड वॉरियर्स के कैप्टन लोकेश हैं, उतने ही तैयार दूसरे छोर पर धीरज भाई भी हैं जिनकी टीम ने अभी अभी मैच खेला है, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, जो स्फूर्ति है वो देखते ही बन रही है कि हमें चैंपियन बनना है। दोनों ही टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं हम देंगे, बहुत सारी बेस्ट विशेस हम देंगे, पूरा जो हमारा संस्कार ग्रुप है ये चाहता है कि मैच बहुत अच्छा हो, जीतेगा तो कोई एक ही, या तो फिला वॉरियर्स या फिर दूसरी तरफ हमारे फिलो डायमंड वॉरियर्स या फिर दूसरी तरफ जो टीम है प्रगति रॉयल्स। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलो डायमंड वॉरियर्स के साथ जो उनका लक चल रहा है, जिस तरह से एक मैच में क्रिश ने खेला, एक मैच में नमन ने बल्लेबाजी की और एक मैच में हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि बकुल भाई की बैटिंग देखने को मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर उतर जाऊंगा लेकिन मेरे इस जादुई बल्लेबाजी को मैं फाइनल में ही दिखाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो दोस्तों एक तरफ तो ये टीम है और दूसरी तरफ ऐसी टीम प्रगति रॉयल्स जिनके पास नितिन जैसे जबरदस्त बल्लेबाज हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो चलिए आपको ही समय को जाया किए बगैर हम तुरंत टॉस करते हैं इस मैच का। टॉस के लिए दोनों कैप्टन रेडी हैं और इस मैच का टॉस करेंगे हमारे साथ में श्रीमान जीतू, जीतू भाई। सो कौन देगा कॉल पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, धीरज भाई आप या लोकेश भाई आप? लोकेश भाई देंगे कॉल फिलो डायमंड वॉरियर्स के कैप्टन। हेड से कॉल, देखते हैं क्या आता है। जीतू भाई क्या आया ये आप बताइए। सो टॉस जीता है टीम रॉयल्स ने, क्या करना पसंद करेंगे सर? बॉलिंग बॉलिंग। फाइनल में क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान, किसके तहत आपने गेंदबाजी ली अगर मैं ये सवाल पूछूं और आप बताना चाहें तो?